हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसईओ मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 इनफैक्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत हद तक रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 19 से, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन से, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। बेहतर है कि पहले उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लें, रिएक्शन टाइम वगैरह क्या होता है, तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन स्टूडेंट इनफैक्ट इस क्वेश्चन में 5-6 पार्ट है, ए बी सी डी कुछ इस तरह के अननोन वैल्यूज है, इनका वैल्यू निकालना है। सिचुएशन क्या है, दो तरह का कार है, कार का दो मॉडल है ए और बी। ये जो कार का मॉडल है इसमें जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उस ब्रेक के चलते जो डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का जो वैल्यू प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कार का दूसरा जो मॉडल है, मॉडल बी, उसमें जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? नाउ अब दो तरह का दो ड्राइवर है, ड्राइवर एक्स और ड्राइवर वाई, ठीक है। ड्राइवर एक्स का जो रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड और ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकेंड। मतलब ड्राइवर एक्स जो है वो जब देखता है कि भाई आगे कुछ हर्डल है, हमको ब्रेक अप्लाई करना है, तो इतना देखने, सोचने और ब्रेक अप्लाई करने में ड्राइवर एक्स को टाइम लगता है 0.2 सेकेंड। क्लियर है? और ड्राइवर वाई को वही चीज के लिए टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। इसी को रिएक्शन टाइम कहते हैं, 0.3 सेकेंड। दोनों का अलग अलग रिएक्शन टाइम है, ठीक है। ऑब्वियसली अलग अलग पर्सन है तो हर पर्सन का अपना रिएक्शन टाइम होता है, कोई जल्दी रिएक्ट करता है, किसी को रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लाइक दिस। अब अलग अलग सिचुएशन स्टूडेंट दिया गया है। ड्राइवर एक्स के लिए जब वो मॉडल ए को यूज कर रहा है, अगर उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। उसी तरह ड्राइवर वाई के लिए जब वो मॉडल ए यूज कर रहा है और अगर वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। उसी तरह अगेन मॉडल बी को जब ड्राइवर एक्स यूज करेगा इतना स्पीड के केस में तो उसका क्या वैल्यूज होगा ड्राइवर वाई के लिए, लाइक दिस। इन सारे वैल्यूज का हमें, इन सारे टर्म्स का हमें वैल्यू निकालना है। ऑब्वियसली स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो रहा है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। नाउ सिचुएशन, एक जनरल सिचुएशन स्टूडेंट लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई पर्सन इस तरह से, मान लिया सर्टेन स्पीड से मान लेते हैं भी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और अचानक वो आगे देखता है कि भाई एक हर्डल है या आगे रास्ता जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। सर्टेन स्पीड से ट्रैवल कर रहा था तो वो क्या करेगा, देखता है कि भाई आगे हर्डल है, देखता है, सोचता है, ब्रेक अप्लाई करता है और इतना करने में उसको जो टाइम लगता है उसी को रिएक्शन टाइम कहते हैं स्टूडेंट। तो मान लेते हैं इसको जो टाइम लगा, दैट इज टी आर, आर फॉर रिएक्शन टाइम, ठीक है। मतलब यहां तक ये उतना ही स्पीड भी से चला है, उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने के चलते मान लेते हैं एक जनरल जो रिटार्डेशन का जो वैल्यू प्रोड्यूस होता है, दिस इज ए, स्मॉल ए, फाइनली इसका स्पीड जो है जीरो हो जाता है, ठीक है। तो दो चीज है, दो पैरामीटर से स्टूडेंट, ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब कितना देर तक वो ब्रेक को अप्लाई करके रखा, आप समझ सकते हैं। अगर आप बाइक वगैरह चलाए होंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि अचानक अगर आपको देखना होता है कि भाई कुछ हर्डल है, गाड़ी को आपको रोकना है, तो आप ब्रेक को अप्लाई करके रखते हैं, दैट इज नोन एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट ब्रेकिंग डिस्टेंस, दिस इज नोन एज, यहाँ जो ब्रेक अप्लाई किया फाइनल स्पीड जीरो हो गया, इसी को हम कह रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, दिस इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। चलिए और एक दूसरा चीज जो वैल्यू निकालना है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। टोटल मतलब यहां से वो देखा, सोचना शुरू किया, ब्रेक अप्लाई करने वाला था, यहां से लेकर यहां तक में जो इसका टोटल जो डिस्टेंस हो गया, यही आपका हो गया टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। चलिए टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो स्टूडेंट हमारा टारगेट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में। ऑब्वियस है, अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग वैल्यूज निकालना है, लेकिन सिमिलर सिचुएशन है, बस
वैल्यू जब अलग कर रहे हैं तो अलग अलग वैल्यूज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एक जनरल फॉर्मूला हम लोग एक ड्राइव करेंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव करेंगे फॉर ब्रेकिंग डिस्टेंस और उसी तरह फॉर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, और उसका अकॉर्डिंगली सबका वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट करते चले जाएंगे, सबका वैल्यू आसानी से निकलते चले जाएगा। ये हमारा टारगेट होगा स्टूडेंट। तो समझ सकते हैं आप ब्रेकिंग डिस्टेंस, चलिए पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट ब्रेकिंग डिस्टेंस। मान लेते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं एफ बी, बी फॉर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, यहां से ये जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। एकदम बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग बनाए थे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्यों वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई फाइनल स्पीड भी जीरो पता है हमें, जो कि जीरो है जिसका वैल्यू, इनिशियल स्पीड ये आपका भी दिया हुआ है, रिटार्डेशन का वैल्यू दिया हुआ है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस एस बी निकल जाएगा। मतलब फॉर एस बी, एस बी के लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो भाई मेरे पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। तो एस बी, एस बी के केस में क्या होगा, फाइनल स्पीड आपका जीरो हो रहा है, इनिशियल स्पीड को हम वी मान रहे हैं, माइनस टू ए एस के जगह एस बी हो गया, इसीलिए ब्रेकिंग जो डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका ये वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए। मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है तो कितना स्पीड से गाड़ी मूव कर रहा था, कितना स्पीड से गाड़ी मूव कर रहा था, डिवाइडेड बाई टू इंटू रिटार्डेशन का वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे हम लोग निकालेंगे। चलिए और फॉर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस को, स्टॉपिंग डिस्टेंस को मान लिया एस एस, इस तरह से अगर लिखते हैं एस फॉर स्टॉपिंग, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए फॉर एस एस, तो आप समझ सकते हैं टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स ये इतना, इसका रिएक्शन टाइम टी आर है, भी स्पीड से चला है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपली भी इंटू टी आर, भी इंटू टी आर, एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो ये डिस्टेंस हो गया v इंटू टी आर, और प्लस उसमें आप ये ब्रेकिंग डिस्टेंस ऐड कर दीजिए, यही तो आपका टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल गया। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका ये ब्रेकिंग डिस्टेंस हम ऐड कर दिए, तो इस तरह से मेरा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल गया। अब स्टूडेंट क्या है कि हमारा एक जनरल रिलेशन, जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। तो अब अलग अलग सिचुएशन में जैसा भी वी का वैल्यू है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का वैल्यू है, रिएक्शन टाइम का वैल्यू है, अलग अलग ड्राइवर के लिए वैल्यू जो जो पूछ रहा है पुट करते चले जाते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहला केस देखते हैं ए, ब्रेकिंग डिस्टेंस ए निकालना है। चलिए ए आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास वी स्क्वायर बाई टू ए, कितना स्पीड से गाड़ी जा रहा था, डिवाइडेड बाई टू इंटू रिटार्डेशन का वैल्यू, कितना स्पीड से गाड़ी जा रहा था, तो देखिए स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट, तो बताए हैं आपको सिंपल 54 को आपको मीटर में बदलना होगा, तो 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। तो वी की जगह हो गया आपका 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू रिटार्डेशन का वैल्यू, रिटार्डेशन का वैल्यू, मॉडल कौन सा यूज हो रहा है, कार ए, जिसमें रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इंटू 6, दिस बिकम्स 225 डिवाइडेड बाई 12 एंड दिस बिकम्स 18.75 मीटर, जो कि रफली इसका बुक में आपका आंसर दिया हुआ है 90, आप इसको मान सकते हैं 90 मीटर इज योर आंसर, ए के लिए आपका हो गया स्टूडेंट 20 का है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए बी आपका निकालना है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टूडेंट, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं, वी इंटू टी आर, ये मेरे पास फॉर्मूला है, प्लस प्लस क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस यही ना था ए, मतलब ए का इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यही तो ए आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस था। क्लियर है, मतलब वी टी आर, वी कितना स्पीड से वी जा रहा था, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 इंटू रिएक्शन टाइम ड्राइवर एक्स के लिए निकाल रहे हैं, ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकंड, तो 0.2 सेकंड प्लस ए जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 19 मीटर, दिस बिकम 15 इंटू 0.2 आपका 3 हो गया, प्लस 19 मीन्स 22 मीटर इज योर आंसर ऑफ बी, 22 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए देखते जाते हैं सी में, सी में सी आप समझ सकते हैं बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, फिर भी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सी में आपका निकालना है, अगेन सी आपका क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो अगेन फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई टू ए, इस केस में स्पीड ध्यान दीजिएगा कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे,
दिस बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो आपका हो गया 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन टू रिटार्डेशन, मॉडल तो यही यूज हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस बिकम 6, 400 बाई 12 दिस बिकम्स 33.33 मीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले सकते हैं 33 मीटर, 33 मीटर आपका C का हो गया। नाउ D के लिए, D अगेन आपका क्या है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए अगेन फॉर्मूला है VTR प्लस जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसको ऐड कर दीजिए, तो C है ब्रेकिंग डिस्टेंस, यहाँ पर V कितना स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो 20 इंटू रिएक्शन टाइम कितना है, Y का देख रहे हैं, Y का ध्यान दीजिएगा, ये इधर निकाल रहे हैं CD, ये है Y का, ड्राइवर Y का रिएक्शन टाइम कितना है 0.3 प्लस C जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है कितना वैल्यू है 33, दिस बिकम्स 6 प्लस 33 दिस बिकम्स 39 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, D का आपका हो गया 39 मीटर। चलिए अब E निकालते हैं स्टूडेंट, E आपका अगेन, E आपका क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस अगेन v स्क्वायर बाई 2a। चलिए v कितना है इस केस में, स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि आया था हम लोगों का 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका हो गया 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रिटार्डेशन का वैल्यू इस केस में, अब ध्यान दीजिएगा अभी मॉडल b यूज हो रहा है जिसमें रिटार्डेशन का वैल्यू है 7.5, तो दिस बिकम 7.5, ये यहाँ पर हो गया 15 इंटू 15, नीचे वाला आपका आ जाएगा 15, 2 इंटू 7.5, 15, दिस बिकम्स 15 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है, ई का हो गया। एफ के लिए टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए अगेन वी इंटू टी आर प्लस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पर ई है, ठीक है, तो वी इंटू टी आर कितना स्पीड से जा रहा है भाई, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी जा रहा था इस केस में, रिएक्शन टाइम कितना है, रिएक्शन टाइम ध्यान दीजिएगा एफ का, ये किसका रिएक्शन टाइम देख रहा है, ड्राइवर एक्स का, जिसका रिएक्शन टाइम है 0.2, तो 0.2 प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना निकाले हैं, 15 निकाले हैं, दिस बिकम्स 3 प्लस 15 मीन्स 18 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है, नाउ चलिए जी का, जी देख लेते हैं, जी क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगेन जी ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका हो गया वी स्क्वायर बाई 2a, कितना स्पीड से जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 को हम लोग कन्वर्ट किए थे, आपका आया था 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रिटार्डेशन का वैल्यू, कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, बी रिटार्डेशन, जिसमें प्रोड्यूस होता है 7.5, तो 7.5 दिस बिकम्स 400 बाई 15 दिस बिकम्स 26.7 मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं रफली 27 मीटर रफली इस तरह से लिख सकते हैं, जी आपका हो गया 27 मीटर। चलिए ठीक है, एच का वैल्यू क्या निकालेंगे, एच मेरा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए अगेन VTR प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस जी है जी, तो भी कितना स्पीड से जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, इंटू रिएक्शन टाइम एच है, ये कौन सा ड्राइवर है, ड्राइवर वाई का देख रहे हैं, ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम 0.3, तो 0.3 प्लस जी का वैल्यू है 27 दिस बिकम 6 प्लस 27 मीन्स 33 मीटर, एच का आपका वैल्यू निकल गया 33 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, थैंक यू।